हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी, ये फ्लावर डिज़ाइन बनाऊंगी मैं। ये हमारा बेडशीट का डिज़ाइन है। आप अगर कुशन कवर बनाना चाहते हो तो साइड में पट्टी लगा दोगे तो ये हमारा कुशन कवर भी बन जाएगा। ये बहुत प्यारा बनकर रेडी हुआ है। तो इसको सीखने के लिए मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। फ्रॉक को बनाने के लिए हम दो तीन कलर का कपड़ा लेंगे। मैं ये ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज ली हूँ। हमको इस तरह से ये पीस चाहिए, पांच पीस चाहिए। इसका मेजरमेंट 2.5 है चारों ओर से। ये स्क्वायर शेप में 2.5 है इसका। ये चार पांच पीस है, ये आठ पीस है हमारा, ये आठ पीस है और ये हमारा ये भी आठ पीस है। ये सब एक ही मेजरमेंट का है ये। और ग्रीन और व्हाइट इस तरह से हमको पीस चार पीस चाहिए। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हम इस तरह से कपड़ा लेंगे, मतलब इसको बनाने के लिए 3x3 का पीस लेंगे। एक कलर को नीचे रखेंगे, यानी व्हाइट कलर के ये फैब्रिक को नीचे रखेंगे और इस ग्रीन कलर को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा पीस इस तरह से रेडी होगा। तो ये हमको आठ पीस चाहिए, ये हमको चार पीस चाहिए। दो ये मैं बना ली हूँ, दो इसको बनाऊंगी तो हमारा ये चार पीस हो जाएगा। ये हमारा स्टिच हो जाएगा तो हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा 3x3 का पीस है। जब हम स्टिच करके इसको कट करेंगे और चारों कॉर्नर को एक साथ एक जैसा बराबर कर लेंगे तो ये हमारा 2.5 मेजरमेंट में ये रेडी होगा। तो इसको मैं आयरन कर लेती हूँ, फिर आगे दिखा। तो ये हमारा पीस आयरन हो जाएगा तो अब हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह से पीस बनाएंगे, चार पीस इस तरह से हमको चाहिए। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। ये व्हाइट वाला इधर रखेंगे और इस ग्रीन वाला को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये नीचे हमारा ये वाला पीस आएगा और इसके बगल में व्हाइट वाला ये पीस आएगा। तो इधर हमारा ये वाला पीस आएगा इधर, और इधर हमारा ये वाला पीस इस तरह से ज्वाइंट होगा। सिलने के बाद इस तरह से हमारा ये पीस रेडी होगा। इस तरह से हमको चार पीस चाहिए। एक पीस मैं ये रेडी कर ली हूँ, तीन पीस और मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर एक साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमारा सब पीस रेडी हो गया है, अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा एक पीस, पांच पीस ये था, सब पीस इसमें लग गया है एक एक पीस, और ये एक हमारा पीस बचा है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। और ज्वाइंट कैसे करना है इसको, इस तरह से यहाँ तक हम स्टिच करेंगे। थोड़ा सा हम इसको आधा इंच तक इसको छोड़ देंगे, आधा इंच तक छोड़कर हम सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ तक हम छोड़ देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। फिर ये दूसरा पीस हम इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। तो इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे, ये हमारा पूरा स्टिच आएगा। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेती हूँ, फिर इन सबको जोड़ना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतना हम छोड़कर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अब हम इस पीस को ये सब इस तरह से हमारा घूमते हुए आएगा। ये अब ये इधर इस तरह से स्टिच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक स्टिच हो गया है। अब हम इस पीस को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। फिर इसको इसको पहले यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ, फिर इसको मैं इसमें जोड़ना बताऊँ। जब ये हमारा इसमें स्टिच हो जाएगा तब हम ये वाला पीस
इसमें स्टिच करेंगे। इसको इधर करके यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे, फिर बाद में ये हम इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। पहले इसको इसमें इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जब हमारा ये इसमें स्टिच हो जाएगा तो अब हम जो पहले मैं छोड़ी थी इसको यहाँ से स्टिच करके छोड़ी थी, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बराबर एक फ्लावर डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। ये रहा मेरे ब्लॉक का फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ है। ये सब मेरा व्हाइट ही कलर है, इसमें कुछ कलर व्हाइट ही है लेकिन ये नीले कलर का है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये व्हाइट ही कलर है हमारा। ये हमारा एक ब्लॉक है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसी तरह से ब्लॉक बनाएंगे और जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो इधर कॉर्नर पर पिन व्हील का डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। ये मैं केवल एक ब्लॉक बनाई हूँ, अगर इसको जोड़ेंगे तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। आप इसी के अकॉर्डिंग सिंगल, डबल, बच्चों का कुछ भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।